अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन बैश बाय अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत हैरियत से होंगे। तो जनाब, आज जो है मैं अपने किचन में बना रही हूँ स्पेशल ढाबा स्टाइल जो है चना दाल। इसके लिए मैंने जो है ना, ये देखें, ये एक पाव के जितनी चना दाल थी, जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है ना भिगो के धो के अच्छी तरह से, तो इसको भिगो के रख दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये थोड़ी सी फूल भी गई है, बड़ी अच्छी सी थोड़ी सी फूल गई है, और इसका जो क्वांटिटी भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा हो गई फूलने की वजह से। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले जो है ना, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, और ढाबा में जो आप बाज़ार वगैरह से लेने जाते हैं वो बिल्कुल यही रेसिपी होती है। अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह से वही टेस्ट आएगा। इसमें जो सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है। 1/2 टेबल स्पून जो है ये है कसूरी मेथी, ये इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये आपने ज़रूर डालनी है। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ले लिया है सूखा धनिया कुटा हुआ, इसको मैंने फ्रेश अभी ही कूटा है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है ना, ये है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अगर मेरे पास इकट्ठा मैं पीस के रखती हूँ, अगर आपके पास इकट्ठा नहीं है तो आप 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ले लेंगे। ये भी आपने मस्ट लेना है। कुटा हुआ धनिया जो है वो भी आपने लेना है और पिसा हुआ धनिया भी लेना है। इसके बाद 1 टेबल स्पून ही आपने डाल लेना है इसमें लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून जो है हल्दी, इसमें कम ही जाती है, आपने मैंने इसमें 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी। 1/2 टीस्पून जो है वो आपने ले लेना है गरम मसाला, और 1/2 टेबल स्पून या इससे थोड़ा सा कम नमक है, आपने आप जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल करेंगे इसमें। अच्छा जी, ये वाले अज्जा हो गए। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये चीज़ें जो हैं, ये तो सारी चीज़ें चली जाएंगी दाल में। अब ये है, ये एक प्याज है, इसको जो है इसको मैं अभी साइड पे ही रखती हूँ, जो कि मैं डालूंगी तड़के के लिए। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, ये जो दाल है ये मैंने डाल दी कुकर में। ये दाल जो है ये एक पाव की जितनी, एक पाव से थोड़ी सी शायद ज़्यादा होगी, वो इस वजह से क्योंकि आधा किलो का पैकेट था, जो कि मैंने हाफ जो है वो एक दफ़ा बना चुकी थी मैं, और हाफ जो है वो ये। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये देखें, ये जितने भी मसाले हैं, जिसमें मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कसूरी मेथी है, कुटा हुआ सूखा धनिया है, ज़ीरा और धनिया पाउडर है, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक, ये सब के सब चीज़ें जो हैं ये इसमें चली जाएंगी। ठीक है जी, ये इसमें चली गई, और ये है हमारे पास हरी मिर्चें 3-4 और 1 टमाटर है, ये भी इसमें चला जाएगा। और इस स्टेज पे हम जो है इसमें 1 टेबल स्पून के जितना जो है ना, 1 से 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल भी डालेंगे, बस दैट्स इट। ओके, और अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पानी कितना जाएगा, जितनी दाल है उससे डबल आपने इसमें पानी डाल देना है। मीन्स कि अगर आपके पास एक पाव के जितनी दाल है तो आपने आधा किलो इसमें पानी डाल देना है। तो एक पाव मेरे पास दाल थी, इसमें तकरीबन मैं जो है आधा किलो के जितना पानी डाल दूंगी। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने इसको राइस के साथ बना रहे हैं या आपने रोटी के साथ बनानी है। ये वाली दाल जो है ये बेसिकली इतनी ज़्यादा शोरबे वाली नहीं होती है, इसमें इतना ही पानी होता है कि जिसमें ये दाल प्रॉपर तरीके से गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी सी रह जाए। अगर आप यही रेसिपी आप चावलों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर पानी की तादाद क्वांटिटी जो है वो आपने बढ़ा देनी है। एंड सेकेंडली, अभी मैंने अभी इसमें पानी डाला है, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अभी पका भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें जितने भी मसाला जा गए हैं इसकी वजह से बड़ा अच्छा इसका अरोमा आ रहा है। तो अब मैं इसका प्रेशर कुकर बंद कर देती हूँ 10 मिनट के लिए, और फिर मैं देखती हूँ कि दाल कितनी सी गली है और कितनी रह गई है। ठीक है जी, चलें जी, ये जो है ना कुकर को वेट मैंने लगा दिया,
और अभी जो है ना टाइम मैंने नोट कर लिया, 10 मिनट्स बाद जो है ना देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। पे तकरीबन जो है वो 10 मिनट जो कुकर चल गया था, अब मैंने अच्छी तरह पहले इसकी स्टीम निकलने दी है, उसके बाद मैं अब इसका ढक्कन खोल रही हूँ। इस वाले स्टेप पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, कभी कभार हम जल्दबाजी कर जाते हैं कि जल्दी में लेकिन फिर नुकसान उठाना पड़ जाता है। खैर यहाँ पे जनाब दाल जो है ना वो बड़ी अच्छे से 10 मिनट के अंदर बेहतरीन गल गई है। अब इस स्टेज पे ये करना है कि अभी तड़का वगैरह नहीं लगाना, अभी आग दोबारा हम जलाएंगे इस पे, इसके नीचे आग जला के तो 5 से 6 मिनट थोड़ी तेज़ आग पे इसको पकाना है ताकि पानी इसका थोड़ा ड्राई हो जाए। अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि अगर तो आप इसको चावलों के लिए बना रहे हैं तो आपको ज़ाहिर है थोड़ा सा शोरबा टाइप चाहिए होगा। तड़का जो है वो रेडी हो गया, इसमें मैंने प्याज डाला है और देखिए इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। इससे ज़्यादा अगर इसमें कलर आ जाएगा तो दाल जो है वो थोड़ा कड़वी कड़वा कड़वा सा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो तड़के में सिर्फ प्याज ही जाता है, इसमें जो लाल मिर्चें हैं ये ऑप्शनल हैं, टोटली ऑप्शनल हैं। मेरे पास थी, मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगता है ज़रा, तो वो मैंने डाल दी है। ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें ये लाल मिर्चें इसमें तड़के में नहीं डाली जाती हैं। अगर आपने डालनी है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है। तड़का लगाने के बाद इसमें जो जाएगा लास्ट पे सिर्फ़ और सिर्फ हरा धनिया जाएगा, क्योंकि गरम मसाला जो है वो मैंने शुरू में ही डाल लिया था, अब लास्ट पे इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ धनिया डालेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। मैं दाल को डिश आउट कर लेती हूँ। ढाबा पे बहुत रेसिपीज़ के साथ दाल बनती है ये चना दाल, उसमें से एक रेसिपी जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, जो ढाबा पे आप होटल्स वगैरह और इस तरह ये जो ढाबे होते हैं वहाँ से जाके जो आप दाल लेके आते हैं वो भी इसी रेसिपी से बनती है। जब आप ट्राई करेंगे और आप जो इसके अरोमा इस टाइम आ रहा खुशबू, तो वो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये तो वैसी ही है जो हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो चलें जी, दे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।